फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के तीन देशों की यात्रा पर। पीएम मोदी देर रात जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। पीएम मोदी बर्लिन पहुंच गए हैं, जहां उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बर्लिन के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा 2 मई से शुरू होकर 4 मई तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली कनाडा के मरखम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों का प्रतीक भी बनेगी। पीएम मोदी ने कहा, भारत दूसरों के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान का सपना नहीं देखता। भारत एक देश होने के अलावा एक महान परंपरा, वैचारिक प्रतिष्ठान, संस्कृति की धारा है। पीएम मोदी ने कहा, एक भारतीय दुनिया में कहीं भी पीढ़ियों तक रह सकता है, लेकिन उसकी भारतीयता और भारत के प्रति समर्पण में थोड़ी भी कमी नहीं आती है। हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं। पीएम ने कहा कि उनके पूर्वजों द्वारा निभाए गए लोकतांत्रिक मूल्यों और उनके कर्तव्यों की भावना उनके दिल में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हैं, तो विश्व के लिए प्रगति की नई संरचनाएं, संभावनाएं तलाशते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरे पर वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 3 तारीख को वो एक कार्यक्रम में अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। वहीं सीएम धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर कहा कि उनका उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरा है। हरिद्वार में दोनों राज्यों की परिसंपत्ति को लेकर आवंटन किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में वो खुद भी मौजूद रहेंगे। निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा, सभी 75 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। केंद्र सरकार की ओर से मिल रही है हर संभव मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के अवसर पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुचारू रखें, कहीं पर भी अनावश्यक कटौती ना हो। इसके साथ ही उनका निर्देश है कि सभी धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, पेयजल आदि के प्रबंध भी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। इस दौरान भी ओवर बिलिंग अथवा विलंब से बिल दिए जाना उपभोक्ता को परेशान तो करता ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करता है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में पीट पीट कर हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। लॉस्ट लिम्सन बार के मालिक लव डिंगरा से 3 घंटे तक हुई पूछताछ। मामले में संलिप्तता मिलने पर होगी गिरफ्तारी। ई पेंशन पोर्टल के शुभ आरंभ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया संबोधन। कहा, ई पेंशन पोर्टल वाला यूपी पहला राज्य। ई पेंशन पोर्टल से लाखों लोगों के जीवन को मिलेगा लाभ, होंगे कई फायदे। इस ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को भुगतान के लिए भी आना नहीं पड़ेगा। इसमें व्यक्ति को रिटायरमेंट के 6 महीने पहले करना होगा आवेदन। 3 माह पूर्व ग्रेजुएटी राशिकरण के आदेश निर्गत होंगे। कोषागार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
यूपी में हिट हुआ योगी मॉडल, सूबे में धार्मिक स्थलों से 50,000 लाउडस्पीकर हटाए गए, 59,000 लाउडस्पीकरों की आवाज की गई कम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का नाम लिए बिना बिजली संकट का मसला उठाते हुए कहा कि सरकार समस्या का कारण बताने के लिए नहीं, निवारण करने के लिए होती है। नोएडा जिला प्रशासन बिल्डर्स की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी करेगा नीलाम। 36 डिफॉल्टर्स की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी जब्त। नीलामी से आई रकम बायर्स को लौटाई जाएगी। न्यू आगरा क्षेत्र के दीवानी के पास पेट्रोल पंप का छज्जा गिरने से हुआ हादसा। 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। चंदौली में गैंगस्टर अपराधी के घर दबिश देने पहुंची पुलिस, मामले में एक्शन। एसएचओ सैयद राजा को किया गया निलंबित, परिजनों ने तहरीर दी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। कल से शुरू होगी चार धाम यात्रा, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद फिर शुरू हो रही है यात्रा। उन्नाव में युवती की मौत पर सीएम ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं। बीते दिनों युवती का नर्सिंग होम की दीवार से लटका हुआ मिला शव। डीएम ने भी सीएम की ओर से व्यक्त की शोक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, कार्यक्रम में समापन सत्र को संबोधित करने से पहले डिप्टी सीएम ने कहा चंदौली की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएगा। एडीजी जोन ने लखीमपुर खीरी कारोदा क्या, एडीजी जोन ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इस दौरान एडीजी ब्रजभूषण ने आला अधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही एडीजी ने सदर कोतवाली का निरीक्षण भी किया। वहीं उन्होंने महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। ।2022 की करारी शिकस्त के बाद सपा 2024 और 27 के लिए अभी से जमीन तलाशती नजर आ रही है। जनसभाओं में पहुंचकर अखिलेश यादव अपनी हार को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। बीजेपी ने जातिवाद फैलाकर सरकार बनाई है, यह अखिलेश का कहना है। रोजगार देने की जगह लाउडस्पीकर गिनवाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में गुजरात की एटीएस की दस्तक हुई, जिसमें मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली में अमन कराने के बाद एटीएस की टीम सीधे खाला पार पहुंची। यहां से एटीएस ने एक घर से 210 किलो हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले ही एनसीबी की टीम ने दिल्ली के शाहीन बाग में छापेमारी करते हुए 97 किलो अफगानी ड्रग्स के साथ 30 लाख रुपए की नकद बरामद की थी। इस मामले में एनसीबी ने कैराना के अहमद और 2 अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था। गाजियाबाद में ईद को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। इस दौरान एसएसपी ने जिले को 6 जोन में बांटा, जिले में सेक्टर और सब सेक्टर बनाए गए। जिले में 224 जगहों पर ईदगाह, 3 मई को की जाएगी ईद की नमाज अदा। शामली में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। शामली जिले की सभी ईदगाह पर साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शामली की पुलिस फोर्स के अलावा जनपद में 2 कंपनी अतिरिक्त पीएसी की सुरक्षा में लगाई गई है, जिससे त्योहार के दिन किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो सके। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जालौन पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आबकारी नीति में जल्द ही किया जाएगा फेरबदल, राजस्व बढ़ाने को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। गोंडा में जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई। शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे थे भूमाफिया। डीएम के आदेश पर 56 बीघा शत्रु संपत्ति की जमीन कराई गई खाली। तहसीलदार ने खुद ट्रैक्टर चलाकर जमीन को खाली कराया।
चंदौली के पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने कहा कि रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, गले पर खरोंच और जबड़े में हल्की चोट के निशान है। एटा में शस्त्र प्रदर्शन करते हुए युवक का वीडियो वायरल, युवक का सड़क पर हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, शादी कार्यक्रम के दौरान युवक ने किया था शस्त्र प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी इसे वायरल किया। बुलंदशहर में पीएचसी प्रभारी ने कार्यालय में महिला को धमकाया, महिला से पीएचसी प्रभारी ने कहा मैं यहां का सबसे बड़ा गुंडा हूं, सहायक नर्स और लैब टेक्नीशियन में हुआ था विवाद, विवाद के बाद टेक्नीशियन की पत्नी पहुंची थी पीएचसी। गोरखपुर के बेसहारा बेटों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मदद, 25 अप्रैल को हुए हत्याकांड में हुई थी मां बाप और बहन की मौत, सीएम योगी ने बेसहारा बेटों को दिया 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का सहारा। अमेठी में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, दिव्यांग महिला के घर जाने वाले रास्तों को दबंगों ने जबरन बंद किया, दिव्यांग महिला की बेटी को 2 बार पहले ही धमका चुके हैं, उसकी शादी टूट चुकी है, प्रशासन की पैमाइश के बावजूद दबंगों ने नहीं खोला रास्ता, पीड़ित दिव्यांग महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फतेहपुर में पुलिस की टीम ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर के पास से पुलिस ने 5 किलो गांजा बरामद किया, मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अंबेडकर नगर में लालच देकर धर्मांतरण कराने की साजिश फेल, मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया, सभी आरोपियों पर धर्मांतरण कराने का है आरोप, ग्राम प्रधान की शिकायत पर गांव पहुंची थी पुलिस, 24 से ज्यादा महिलाओं को लालच देकर धर्मांतरण कराने की थी योजना। आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत तीसरी नजर लगातार अपराधियों और ट्रैफिक व्यवस्था पर बनाए हुए हैं, स्मार्ट सिटी के तहत शहर भर में लगभग 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वहीं शहर में कूल कैमरों की बात भी की जाए तो लगभग 1176 कैमरे लगाए गए हैं, इन कैमरों की मदद से पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है।